हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल और चैनल का नाम है साइन बॉय साहिल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, लेकिन जानकारी इसमें जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, ये जो वीडियो है ना, मैं इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि गाइस, जैसे बहुत से यूट्यूबर्स वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्पेशली जैसे कि उनका मैकेनिक का वीडियो रहता है ज़्यादातर, ठीक है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ कि मेरे चैनल पे कौन कौन सा वीडियोस आते हैं, ठीक है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कभी ब्लॉगिंग का मतलब ब्लॉगिंग वीडियोस बना दे रहे हैं, कभी मैकेनिक का वीडियो बना दे रहे, तो क्या है? तो देखो भाई, मैकेनिक का वीडियो हम शौक से नहीं बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाते हैं। और सेकंड बात, मैकेनिक का वीडियो हम बनाते भी नहीं, लेकिन कुछ मेरे जो दोस्त हैं ना घर के पास रहते, वो बोले कि भाई तुझे इतना अच्छा नॉलेज है मतलब बाइक बनाने का, जो कि सिर्फ मेरा एसपी में नहीं, अगर मेरे पास पल्सर रहेगा तो पल्सर में, मेरे पास मतलब अपाची रहेगा तो अपाची में, टीवीएस का कोई गाड़ी हो, सुजुकी हो, कुछ भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा है ना वो मुझे बहुत अच्छे से मतलब सिखाए हैं। मेरे पापा ऑटो भी बना सकते हैं, बाइक भी बना सकते हैं, तो उन्हीं से मैं ये मतलब तालीम लिया हूँ कि कैसे बनाया जाए, तो इसी के लिए। तो और ये वीडियो छोड़ने का मेरा यही एक मोटिव पर्पज़ है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो अपलोड करना। देखो, हालांकि मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिल रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है मुझे मिले, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा है। मैं भी सोच सकता था कि नहीं भाई, आधा अधूरा वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि मतलब जो देखेगा मतलब वो देख भी ले, मुझे पैसा भी मिले, मेरा व्यू भी आ जाए, सब कुछ मेरा ही लाभ करे, लेकिन ऐसा नहीं भाई। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ ना, ये कारण के वजह से बनाता हूँ क्योंकि जो भी देखे उसको समझ आए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा आधा अधूरा वीडियो तो सभी यूट्यूब चैनल्स में रहता मेरे जहाँ तक, और ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ तुम लोग को, ये कुछ दो तीन दिन पहले का है। भाई एक ना, जिनका नाम तो मैं नहीं डिस्प्ले करूँगा, वो भाई बहुत परेशान है, उनका भी जो सामने का ब्रेक है ना, जब से गाड़ी लिया तब से जाम चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई हमको बताओ बताओ बताओ, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं हो पाता है कि कमेंट्स को मैं सब समय पढ़ूँ। हाँ, पढ़ता हूँ तो रिप्लाई भी करता हूँ, लाइक भी कर, सब कुछ कर देता हूँ, लेकिन नहीं। तो वो बोल रहे थे, एक दिन गुस्सा हो गया मेरे से सब्सक्राइबर भाई, तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे, आप मेरा मदद नहीं करें। तो फिर हम उनको बोले कि भाई आप बताओ कैसे मतलब क्या किया जाए, तो बोला कॉन्टैक्ट नंबर मांगे। तो देखो, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास, जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो फ़ोन ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया मेरे सिक्योरिटी को छोड़ के। वो मुझसे भाई ने कॉन्टैक्ट किया, मैं उनको सब प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, चैट्स भी है मेरे पास, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, उसमें चैट्स भी मैंने अपलोड किए थे। तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो खुद बोले, मैं नहीं बोला, वो खुद बोले कि भाई आपका वीडियोज़ बहुत जेन्युइन है, इतने यूट्यूबर से मैंने मतलब देखा वीडियो, कोई मुझे रिप्लाई नहीं करता था, इतना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, आप जेन्युइन लगे, बोल के आप कॉन्टैक्ट नंबर तक आए और कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मांगे, आप दिए भी, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, जिनको भी कोई प्रॉब्लम होता है बाइक रिलेटेड, जैसे कि ये वो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रुको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कांटेक्ट करना है। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप, सॉरी, इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। साइन बॉय साहिल नाम का मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको खुद पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, या फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना, उस टाइम मैं फ्री रहूंगा, मैं फ्री ऑफ माइंड आपके बात को सुनूंगा और आपको जितना कम सस्ता में हो सके वो उसका इलाज बताऊंगा। अगर हो सकता है कि ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ में ही हम अगर थोड़ा 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 पैसा में हो जाए तो बता देंगे, और थोड़ा पैसा में नहीं बता, नहीं, जिसमें आपको पैसा लगना है वो तो लगेगा ही, वो मैं भी नहीं बचा सकता, वो कोई आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि पार्ट्स होते ही ऐसे, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद एक बार ख़राब होता है तो उसको चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। तो यही है, और मेरा साइन बॉय साहिल इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी, हाँ, इंस्टाग्राम जो है उस पर आप जाके फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। और रहा बात भाई ब्लॉगिंग का, तो भाई मुझे ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि GoPro खरीद के कर सकूं, और फ़ोन जो है ना, फ़ोन यहाँ पे जब मैं अपना, जो भी मेरे पास दो हेलमेट्स है, दोनों में ही ना माउंटेड का सिस्टम नहीं है, क्योंकि फ़ोन अगर बहुत भारी होता है और अगर गलती से गिर गया ना भाई, तो मैं इसी से अपना मतलब जो है रोज़ी रोज़गार चलाता हूं, और अगर फ़ोन टूट गया तो भाई मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर भी कोशिश कर रहा हूं, मतलब पैसा कमाने का बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुमको तो मालूम है भाई कोलकाता में जॉब का हालत कैसा है, वो बात ही दो कि दीदी क्या करके रखी है बंगाल में, मतलब जॉब बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, मिलता भी है तो पसंद नहीं आता, 1-2 महीने में छोड़ देते हैं। तो स्विगी जोमेटो करके मेरा अभी घर चलता है, मतलब घर तो पापा चलाते हैं, मैं अपने बात कर रहा हूँ, अपना खर्चा चलाता हूँ, ठीक है। तो उसी में कोशिश कर रहा हूँ कुछ पैसे जमाने की, अगर जम जाता है तो फिर मैं आपको GoPro लेके भी वीडियोज़ करता हुआ दिखूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोज़, ये नहीं कि एलू तेलू जैसे वीडियोज़ हैं, सब करता हुआ दिखूँगा। तो भाई ये वीडियो का पर्पज़ इतना ही था, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है बिल्कुल करिए, माशाल्लाह हम आपको बिल्कुल सहायता करेंगे जितना हो सके, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।